हाय वेलकम। तो चलो सी की सीरीज़ हम चालू करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना सीखा है। आज हम कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और जो है सिंपल वेरिएबल्स तुम कैसे डिफाइन करते हो और एक सिंपल फॉर लूप या वाइल लूप कैसे लगाते हो। और जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो बहुत ही सिंपल है। प्रोग्राम सिर्फ इतना करेगा कि जो है वो फेरनहाइट में टेम्परेचर होते हैं और सेल्सियस में होते हैं, तो टेम्परेचर जो फेरनहाइट में दिए होंगे उन्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली जो टेम्परेचर हैं वो एक कॉलम में फेरनहाइट में होंगे और दूसरे कॉलम में जो हैं सेल्सियस में होंगे वो हमें प्रिंट करने होंगे। तो हम जो है फेरनहाइट मूव करेंगे 0 से 300 तक 20-20 के स्टेप में, और उसका जो इक्विवेलेंट सेल्सियस होगा वो हमको कंप्यूट करना होगा। और फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा कि जो सेल्सियस का टेम्परेचर होता है वो होता है 5/9 इंटू फेरनहाइट -32, यानी फेरनहाइट लो उसमें से 32 घटाओ और उसे 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें सेल्सियस मिल जाएगा। प्रोग्राम जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जो है इसे मेन के अंदर ही लिख देंगे और जो है बस थोड़ा सा ही बड़ा है जो हमने पिछली बार हेलो वर्ल्ड लिखा था, लेकिन कई सारे नए आइडियाज़ ये लाता है, जैसे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, उन्हें इनिशियलाइज करना, और जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखना, लूप वाइल लूप, और इसके साथ साथ फॉर्मेट करके प्रिंट एफ का यूज़ करते हुए कैसे आउटपुट प्रिंट करना। एक चीज़ जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था वो ये कि मेन जो फंक्शन होता है वो स्पेशल होता है, इन द सेंस कि प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो मेन उस मामले में स्पेशल फंक्शन होता है। तुम कई सारे फंक्शन लिखोगे लेकिन मेन इसलिए स्पेशल है कि प्रोग्राम मेन से ही चालू होगा, वहीं से उसकी शुरुआत होगी। एनी वेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हम प्रोग्राम लिखना चालू कर देते हैं डायरेक्टली। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड कर देते हैं और हम जो है मेन फंक्शन लिख लेते हैं, और इतना मैंने लिख लिया है और फाइल का नाम मेरा टेम्परेचर डॉट सी है। अब जो है मुझे इतना करना है कि पहले तो दो वेरिएबल लिखने होंगे जो कि फेरनहाइट और सेल्सियस को स्टोर करें, तो मैं लिखता हूँ और वो इंटीजर होने चाहिए, तो फेरनहाइट होगा और एक सेल्सियस होगा। इसी के साथ साथ मुझे चाहिए जो है 0 से लेकर 300 तक जाना है, राइट, तो और 20-20 के स्टेप में जाना है, तो मुझे जो है नीचे वाला लोअर लिमिट भी चाहिए, लोअर, मुझे जो है अपर भी चाहिए जो कि 300 है, और स्टेप भी चाहिए जो कि 300 है। तो मैं उन्हें इनिशियलाइज़ कर देता हूँ कि भाई लोअर को तुम 0 मान लो, अपर को तुम जो है स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ना जरूरी नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, अच्छा दिखता है प्रोग्राम। अपर को 300 मान लो, स्टेप को 20 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको सीखने होंगे। एक तो ये कि ये क्या है इंट। इंट एक डेटा टाइप है। सी में कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी नहीं होता, जैसे कि पाइथन, सी और जावा ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि जो वेरिएबल आप करने जा लिखने जा रहे हो फेरनहाइट उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप हमारे पास कई तरीके के होते हैं, जिनमें से कि एक होता है इंटीजर, उसके अलावा होता है फ्लोट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए, इसके अलावा होते हैं डबल जो कि फ्लोट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके बाद होता है कार जो कि कैरेक्टर स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर ए बी सी डी इस टाइप से एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके अलावा होते हैं शॉर्ट जो कि इंटीजर से कम स्पेस लेते हैं, और होते हैं लॉन्ग जो कि इंटीजर से ज़्यादा स्पेस लेते हैं और इंटीजर होते हैं। इंटीजर जो है वो कई मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, लेकिन कई मशीन्स में 4 बाइट का होता है 32 बिट्स, और जो है अगर 64 बिट की मशीन है तो शायद 8 बाइट का होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी स्पेस है। अगर 4 बाइट है तो इंटीजर -21474836486 से लेकर 21474483 मतलब बहुत बड़ी रेंज तक जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट भी 32 बिट स्टोर करते हैं और जो है कम से कम उनमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं। डबल जो है ऑब्वियसली दुगनी स्पेस लेता है 64 बिट, ऑफकोर्स ये अगेन मशीन पे डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ मशीन में उससे भी ज़्यादा स्पेस ले डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मशीन 32 बिट है या 64 बिट, लेकिन जो है वो उससे ज़्यादा स्पेस लेगा। तो अगर आपको बहुत प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने हैं, बहुत प्रिसाइज आपको डेसिमल चाहिए, तो आपको डबल यूज़ करना चाहिए, पर ऑफ कोर्स उसमें जगह ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपका काम है कि भाई इंटीजर से ही चल जा रहा है तो इंटीजर यूज़ करो, लेकिन डेसिमल पॉइंट चाहिए, लेकिन ऐसा कोई 6 डेसिमल प्लेस के 6 बाद तक नहीं जाना है तो फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करो, और अगर साइंस कर रहे हो बहुत प्रिसाइज जाना है तो डबल यूज़ करो। एनीवेज
एक और बात सी में ये होती है कि आप इससे पहले कि कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ उसे डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर लोअर को डिक्लेयर ना करूँ और डायरेक्ट लिख दूँ लोअर बराबर ज़ीरो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपाइलर को ये बताना ज़रूरी है कि एक लोअर जो है वो डेटा टाइप है और जो प्रोग्राम में आगे यूज़ हो रहा है, तो उसे डिक्लेयर करना प्रोग्राम की शुरू में ज़रूरी होता है। सी में जनरली हम ऐसा करते हैं कि जो भी डिक्लेरेशन है वो शुरू में ऊपर ही डाल देते हैं। तो इतना हो गया। अब जो है हम जो फ़ारेनहाइट है उसे 0 से 300 जाना है, तो शुरू में उसे लोअर के बराबर कर दो यानी 0 के बराबर। इसके बाद तुम जो है लूप लगाओ जो कि क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि वही क्या फ़ारेनहाइट 300 से छोटा है, अगर है तो वो लूप के अंदर रहेगा। तो अब जो कोड बेसिकली क्या करेगा, हमारा गोल ये है कि हम सूडो कोड ऐसा है कि भाई फ़ारेनहाइट लेंगे और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा मेन गोल है। उसके बाद हम जो है प्रिंट कर देंगे रिजल्ट, और उसके बाद जो है हम फ़ारेनहाइट को स्टेप से बढ़ा देंगे, तो इंक्रीज फ़ारेनहाइट बाय स्टेप यानी 20 से हम बढ़ा देंगे, और जब ये हो जाएगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? तो चलो तो हम ये कर देते हैं भाई। जो है फ़ारेनहाइट को सबसे पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो वो तो बहुत सिंपल है। फ़ारेनहाइट बराबर 5 × फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस, सेल्सियस जो है वो 5 × फ़ारेनहाइट −32 और डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। ये कमेंट को तुम ऊपर रख दो। अब रिजल्ट प्रिंट करना है, तो हम रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो सोचने वाली है वो ये कि देखो प्रिंट एफ मैं कैसे यूज़ करूँगा, %d फिर टैब फिर %d, फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई फ़ारेनहाइट रख देना और फिर सेल्सियस वहाँ रख देना। अब अभी बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, ये प्रिंट एफ की हम बात करते हैं। इसके बाद हमें फ़ारेनहाइट को इंक्रीज करना है, तो बस फ़ारेनहाइट बराबर फ़ारेनहाइट प्लस स्टेप कर दो, तो ये तो सिंपल है ना। अब ये कोड कैसे वर्क करेगा, देखो लोअर तुमने 0 डिफाइन कर दिया, अपर 300 डिफाइन कर दिया और स्टेप 20 डिफाइन कर दिया। शुरुआत में फ़ारेनहाइट को लोअर के बराबर डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो इसका हम कमेंट अगर डालें तो इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, तुमने इनिशियलाइज कर दिए वेरिएबल्स। अब ये वाइल लूप कैसे काम करता है, वाइल का हिंदी में मतलब हुआ जब तक। तो अगर तुम इसे हिंदी में पढ़ोगे तो ये लिखा जाएगा कि जब तक फ़ारेनहाइट लेस देन इक्वल टू 300 है, यानी जब तक फ़ारेनहाइट 300 से छोटा है या 300 के बराबर है, तब तक जो भी लाइनें इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में आती हैं जो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक हैं उनके बीच की सारी लाइन चलाओ। तो वाइल लूप यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा, कोई भी लाइन जो कि यहाँ पर है वो इस वाइल लूप के बाहर है, ये ध्यान रखना। तो ये पैरेंथेसिस वाइल लूप के स्कोप डिफाइन कर रहे हैं। तो इस लूप के अंदर तब तक चलेगा जब तक फ़ारेनहाइट 300 से छोटा है, सबसे पहले आपने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट को, उसके बाद आपने प्रिंट एफ किया और उसके बाद फ़ारेनहाइट को 20 से इंक्रीज कर दिया। तो शुरू में फ़ारेनहाइट 0 होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा, प्रिंट करेगा, 20 से बढ़ाएगा, क्या 20 300 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से वही करेगा, फिर 40 हो जाएगा और इस तरह ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब तक फ़ारेनहाइट 300 होगा तब भी चलेगा, जब 320 होगा तो ये पूछेगा क्या 320 300 से छोटा या उसके बराबर है, तो बोलेगा नहीं। जैसे ही ये फॉल्स होगा आगे जाएगा, आगे जाने के बाद देखेगा अरे प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोग्राम मेक सेंस। बस एक चीज़ जिसकी हम बात नहीं करी है वो है कि ये प्रिंट एफ कैसे काम कर रहा है। प्रिंट एफ जो है वो केवल स्ट्रिंग्स प्रिंट करने के लिए काम नहीं आता, प्रिंट एफ डिनोट करता है कि फॉर एफ जो है फॉर्मेटिंग के लिए है कि प्रिंट करो पर फॉर्मेट के साथ। तो ये जो पहली स्ट्रिंग है वो फॉर्मेट डिफाइन कर रही है कि जो रिजल्ट होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा। परसेंट डी का मतलब होता है कि हम इंटीजर प्रिंट करने जा रहे हैं। स्लैश टी तो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि टैब है, टैब कैरेक्टर, जैसा कि तुम कुछ लिखते हो और टैब दे देते हो ना तो बीच में जगह छूट जाती है, फिर लिखते हो फिर टैब देते हो तो जगह छूट जाती है, तो वो टैब कैरेक्टर है।
और जो है फिर उसके बाद एक और इंटीजर है, और उसके बाद जितने तुम यहाँ पर परसेंट डी दोगे उतने ही इंटीजर तुम्हें यहाँ रखने पड़ेंगे। तो फ़ारेनहाइट जो पहला वाला इंटीजर है वो इस वाले परसेंट डी को रिप्लेस कर देगा, और सेल्सियस जो है वो इस वाले परसेंट डी को रिप्लेस कर देगा। तो सपोज़ ये 0 है और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 0 tab 3, इस तरह प्रिंट करेगा। तो चलो कोड अगर समझ आ गया हो तो हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। मैंने कोड को temperature.c में सेव किया है, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, .a.out करो, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया। अगर न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दोगे तो सब कुछ एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। तो अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब देखो आउटपुट कितना सुंदर लग रहा है। ये बोल रहा है कि जीरो फ़ारेनहाइट जो होता है वो -17 के आसपास होता है सेल्सियस, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -6 के आसपास होता है, जो 40 फ़ारेनहाइट है वो 4 के आसपास होता है, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट 148 सेल्सियस के बराबर होता है। तो आई होप दिस मेक सेंस। अब हम जो है अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, और पहला हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी ये है, एक तो कि जो है 40 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 4 के बराबर नहीं होता है, 5, मतलब हम जो है इंटीजर यूज़ करके थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि 40 जो है वो 4.4 के आसपास कुछ होगा। मतलब अगर मैं जो है गूगल करूँ और गूगल को बोलूँ कि भाई 40 फ़ारेनहाइट 2 सेल्सियस, तो वो बोलेगा कि 4.444 सेल्सियस के बराबर है, और मेरा प्रोग्राम क्या आंसर दे रहा है, 4 सेल्सियस। तो ये थोड़ा सा गलत है, और इसको करेक्ट करने के लिए हमें इंटीजर ना यूज़ करके फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करने चाहिए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि सपोज़ क्या होता अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड पहले कर दिया होता। सपोज़ मैं ऐसे करता कि 5/9 इंटू f(r-32), यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट यह हैगा कि जो है ये सबसे पहले इंटीजर 5 को इंटीजर 9 से डिवाइड कर देगा, और जो रिज़ल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा। 5/9 होगा 0.4, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, हो जाएगा 0। तो सारे सेल्सियस 0 प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रिंट करके देख लो, .a.out सारे 0 आ रहे हैं, और ये प्रोग्राम में बग है। तो ये एक और प्रॉब्लम है, जो अगर आप मान लो 9 को अगर आपने शुरू में लगा दिया होता तो दिक्कत हो जाती। तो चलिए उस बग को हम करेक्ट करते हैं, और वो हम इस तरह करते हैं कि डबल जो है डिफाइन कर देते हैं या फ्लोट डिफाइन कर देते हैं, जो भी मैंने लेक्चर में दे रखा हो, हमें इतने प्रिसाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो फ्लोटिंग पॉइंट रख लेते हैं, और इनको भी हम फ्लोट डिफाइन कर देते हैं। अब ये सब 0 हो गए, ये सब 0 हो गए, फार 300 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर ना होकर इनको जो है डबल डिफाइन कर दो। 5.9 डिवाइड बाई 9.0 का जो रिज़ल्ट आएगा, इन सब चीज़ों की हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब ये क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं है तो इनको डिवाइड करने से जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। तो 5.0 डिवाइड बाई 9.0 अगर तुम करोगे तो आंसर जो आएगा वो होगा 0.44444। तो कोड अभी भी सेम है, बस एक चीज़ यहाँ ये हो गई है कि भाई अब तुम्हें इंटीजर नहीं फ्लोट प्रिंट करना है, तो यहाँ पर फ्लोट लिख दो, ठीक है। और तुम जब चलाओगे तो .a.out चलाओगे तो ये जो है आंसर प्रिंट कर देगा कि 0। अब देखो आंसर कितना सही आ रहा है कि साहब 40.0 जो है 4.444 के आसपास होता है। अब एक चीज़ जो मुझे अनॉय कर रही है वो ये कि इतने सारे डेसिमल प्लेस यहाँ पर आ गए यार, 6 डेसिमल प्लेस, 4 पॉइंट्स, इतने सारे 0, 60 पॉइंट उसके आगे 6 0। तो क्या हम इस फॉर्मेटिंग को सही नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि तुम फॉर्मेट को इस तरह चेंज करो, तुम बोलो कि मुझे एक तो मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं चाहिए, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 चाहिए क्योंकि 300 तक ही जा रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे 3.02f। तो ये मुझे क्या करेगा कि ये जो है बोलेगा कि डेसिमल से पहले कि टोटल नंबर 3 वाइड होना चाहिए और डेसिमल के बाद एक भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 6 डिजिट चाहिए, और उनमें से भी जो है डेसिमल के बाद 1 काफ़ी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6.1। तो टोटल 6 वाइड होगा और उस 6
डिजिट्स, उसमें डेसिमल के बाद एक, और तुम चाहते हो तो दो रख लो, मतलब एक एक रख लो, डजंट मैटर। ठीक है, अब जो मैं कंपाइल करके कोड चलाऊंगा तो कितना सुंदर प्रिंट करेगा, देख रहे हो जीरो। अगर चाहो तो जगह और छोड़ सकते हो, दो तीन टैब और दे दो और फिर और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो जीरो जो है 6.1, ये क्या हुआ 6.1% f 3.0 f 6% शुरू में होना चाहिए, पता नहीं मैं क्या पता। तो अगर मैं इसमें बग है, अगर मैं अब चलाऊंगा तो रिजल्ट देखो कितना सुंदर आएगा कि 0 -17.8, 20 जो है -6.7, 40 जो है 4.4, और तुम चाहो तो इसे, अगर ये ज़्यादा कोर्स हो गया तो इसे और प्रेसाइज कर लो, 6.3 कर लो, फिर उसके बाद चलाओगे तो जो है 3 डेसिमल प्लेस प्रिंट कर देगा। देख रहे हो तो कितना सुंदर फॉर्मेटेड कोड है, यहाँ पर सारे जो हैं डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है, ये तुम्हारे इंटीज वो जो हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गए और ये सारे सेल्सियस हो गए साइड। तो ये कोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपने अगर ये कोड फॉलो किया हो तो आप ऑलरेडी सी के बारे में बहुत कुछ सीख गए। आज हमने डेटा टाइप्स की बात करी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इन सब की। इसी के साथ हमने बात करी जो है वाइल लूप की, हमने इनिशियलाइज़ करना पड़ता है वेरिएबल, इसकी बात करी, और हमने थोड़ी सी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की भी बात करी, और थोड़ा सा हमने प्रिंट एफ को भी क्लोजली देखा। थैंक यू। आपका जो होमवर्क है वो एक तो ये है कि टेम्परेचर प्रोग्राम में पहले यहाँ पर हेडिंग आ जाए, जैसे यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा हुआ दिखा है और यहाँ पर सेल्सियस लिखा हुआ दिखा है, तो हेडिंग पहले आ जाए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। दूसरा कि जो है इस प्रोग्राम को चेंज करो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ कि जो है कितना फ़ारेनहाइट होगा। और इसी के साथ साथ जो किताब है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची की, उसका सेक्शन 1.2 पढ़ो। थैंक यू फॉर फॉलोइंग, बाय।